कौशाम्बी जिले से है, जहां सिराथो तहसील के अंतर्गत नहर कटने से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। मायूस किसानों ने जलमग्न फसल की एवज में मुआवजे की मांग की है। दरअसल सयारा गांव के पास नहर कटने के कारण किसानों की सैकड़ों बीघा धान की फसल जलमग्न हो गई है। इस माइनर में इसमें पानी नहीं था, जबकि किसानों को अपने खेतों की जुताई और गेहूं की सिंचाई के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता थी। किसी तरह लोगों ने अपने खेतों की बुआई की, माइनर की बगैर सिर्ट सफाई किए नहर के माइनर में पानी छोड़ दिया गया, जिसका परिणाम रहा कि तटबंधों को तोड़ते हुए पानी ओवरफ्लो कर लोगों के खेतों में भर गया। इससे किसान की 100 बीघा फसल जलमग्न होकर चौपट हो गई है। सूचना देने के बाद भी विभाग उदासीन बना रहा, लेकिन किसान अपने स्तर से तटबंध बांधकर फसल को सुरक्षित करने में जुटे रहे। किसान पप्पू सिंह ने बताया कि नहर में पानी कभी भी समय से नहीं मिल पाता, इससे किसानों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। कारण कि नहर के किनारे के किसान खेती का मुख्य साधन नहर को ही मान बैठे हैं। इन दिनों फसलों की सिंचाई के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता थी, तो विभाग उदासीन बना रहा। छोटे लाल ने बताया कि हमेशा पानी उसी समय आता है जब उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती। हर साल किसानों को नहर विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि मायूस किसानों को जिले के आला अधिकारी मुआवजा दिलवाएंगे या फिर इति श्रीकर लेंगे। दस्तक भारत के लिए कौशाम्बी से शब्बर अली की रिपोर्ट।